अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्रोसांट्स बारबेक्यू चिकन सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि आप टी, हाई टी, ब्रंच या बर्थडे पर बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जियों में मैंने रेड बेल पेपर ले ली है, स्प्रिंग अनियन का मैंने ग्रीन पार्ट लेके बारीक काट लिया है, 2 मैंने ग्रीन चिलीज लेके बारीक काट ली हैं और 1 मीडियम साइज का अनियन चॉप कर लिया है। तो सबसे पहले मैं अनियन ऑयल में डाल दूंगी और इसको बस 2 मिनट के लिए मैं सौते कर लूंगी। और कुकिंग प्रोसेस जो है वो शुरू से लेके एंड तक हाई फ्लेम पर ही करेंगे। चलिए 2 मिनट के लिए मैंने प्याज को सॉटे कर लिया। अब मैं इसमें ये ग्रीन चिलीज ऐड कर दूंगी। चिलीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज्यादा। तो अब मैं ये बाकी की वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड कर दूंगी और इसे भी हम बस 2 मिनट के लिए सॉटे कर लेंगे जल्दी से। कटिंग हुई हो तो बस 5 से 6 मिनट का ये प्रोसेस है फिलिंग रेडी करने का। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 1/4 कप ब्लैक ऑलिव्स ले लिए थे, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद हो तो आप डालिएगा, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। और इस फिलिंग के साथ जब बारबेक्यू सॉस का फ्लेवर आता है तो वो इसके टेस्ट को बहुत ही बढ़ा देता है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप बारबेक्यू सॉस ले ली है। ये मैं स्मोकी बारबेक्यू सॉस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सी भी बारबेक्यू सॉस यूज कर सकते हैं। इसके लिए 2 चिकन ब्रेस्ट लेकर मैंने 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च के साथ इन्हें बॉईल कर लिया था और ठंडा होने पर मैंने मैश कर लिया। तो ये मैश किया हुआ चिकन भी इसमें चला जाएगा। अब बॉईल चिकन और सब्जियों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने इसमें सिर्फ बारबेक्यू सॉस का यूज किया है, कोई मैंने नमक और मिर्च ऐड नहीं किया है इसके अंदर, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी नमक और काली मिर्च शामिल है, तो इसलिए इसमें मजीद नमक और मिर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपके अकॉर्डिंग नमक और मिर्च आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलिंग हमारी रेडी है। अब मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दूंगी। तो यहाँ पर हमारे सैंडविचेस की फिलिंग ठंडी हो चुकी है। मैंने इसकी फिलिंग के साथ स्प्रिंग लीव्स लिए हैं। लगाने के लिए आप चाहें तो सैलड लीव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिनी क्रॉसंट्स लिए हैं मैंने, मुझे मिनी क्रॉसंट्स अच्छे लगते हैं टी के साथ सैंडविचेस बनाने के लिए। इन्हें मैं दरमियान से कट लगा लूंगी ताकि मैं इनके अंदर चिकन और सैलड की फिलिंग कर सकूं। मैं यहाँ पर तकरीबन 40-50 सैंडविचेस तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए ये फिलिंग काफी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने तमाम क्रॉसंट्स को मिडल से कट कर लिया है और अब मैं इन्हें सबसे पहले चिकन की फिलिंग कर दूंगी और इसके साथ मैं इसमें स्प्रिंग लीव्स ऐड कर दूंगी। इनका कलर इसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप इन्हें मज़ीद फैंसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें चीज़ स्लाइस भी ऐड कर सकते हैं, जो कि देखने में बहुत कलरफुल सा हो जाता है। तो देखिए इसी तरह से मैंने तमाम सैंडविचेस रेडी कर लिए। और अगर क्रोसांट्स अवेलेबल ना हो तो आप इन्हें सैंडविच ब्रेड के साथ भी तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमारे क्रोसांट्स बारबेक्यू चिकन सैंडविचेस रेडी हैं। और अगर आपके यहाँ टी पार्टी या ब्रंच है तो आप एक रात पहले भी इसका मिक्सचर रेडी करके फ्रिज में रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।